देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। और ये मुख्य अतिथि महोदय द्वारा ध्वजारोहण और तुरंत राष्ट्रगान प्रारंभ हो जाएगा। ध्वजारोहण और राष्ट्रगान प्रारंभ। कभी याद करे जो जमाना, माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। ओ देश मेरे, तेरी शान बसद के, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से राशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। है अर्जी दीवाने की, जहां बोर सुहानी देखी, एक रोज वही शामिल मेरा नाम हो। ओ देश मेरे, तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। हमारा संविधान बन गया था, जिस संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 महीने लगे, और आज के दिन अर्थात 26 जनवरी 1950 को यह हमारा संविधान, यह हमारा नियम कानून। प्रणाम की मुद्रा में दोनों पैर नीचे सटा होना चाहिए। अब यहाँ से आपका सूर्य नमस्कार। इसी तरह स्लो मोशन में किया जाता है। अगर किसी की उंगलियां नहीं जा रही है, घुटना होकर बैठ कर सकता है। धीरे धीरे हम करेंगे। इसके बाद बाएं पैर पीछे ले जाएंगे, इस तरह से स्ट्रेच करेंगे और एकदम ऊपर देखेंगे आप। पुनः दाहिना पैर पीछे ले जाएंगे और अपने नाभि को नीचे देखेंगे। ये परमात्मा की मुद्रा हो जाएगी।
धीरे आएंगे, ये छुट्टियां नीचे सटेंगी। फिर ये देखिए भुजंगासन की स्थिति होगी। अब उसके बाद दूसरा पैर आएगा दाहिना। एक साइकिल हो गई। अब इसी तरह से आपको We'll be right back.
जाति को न चाहो, चाह नहीं सम्राटों के, चाह नहीं सम्राटों के सौपन है फल डाला जाओ, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ू भाग्य पर पिछलाओ। मुझे तोड़ लेना बनमाली, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पद पर तुम देना फेंक मात्र भूमि पर शीश चढ़ाने, मात्र भूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पद जाए तीर अनेक, जिस पद जाए तीर अनेक। आदरणीय, एक व्यक्ति की थोड़ी सी गलती, जयचंद की वो जो अंदर की उसकी आग थी, उसने भारत को एक ऐसे रास्ते पर ला दिया कि भारत का जो भारतीय संस्कृति थी, भारत के लोग थे, उनको विदेशियों ने विभिन्न तरीकों से, चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, विभिन्न तरीकों से गुलाम बनाया। इतिहास ने, भारतीय इतिहास ने अपने आप को पुनः दोहराया 1757 में प्लासी का युद्ध, पुनः एक मिर्जाफर उत्पन्न हो गया और उसने एक दूसरे देश के लोगों को भारत पर आने के लिए न्योता दे दिया। वो भारतीय था, हमारे यहाँ के लोग थे, हमारे कवि। और इसके बाद जो कुछ बचा था संस्कृति का, जो अंग, जो आर्थिक विकास का जो रूप बचा था, उसको बहुत अच्छे से और ढंग से खत्म किया गया। लेकिन कहते हैं कुछ बात है, हस्ती मिट्टी नहीं हमारी। सर ने कहा निश्चित तौर पे हमारे देश में जो विविधता में एकता है, जो लोगों के अंदर शौर्य है, जो लोगों के अंदर साहस है, जो लोगों के अंदर जुनून है, जो लोगों के अंदर जज्बा है, उसको हमारे पूर्वजों ने सिद्ध किया और 1947 में उन सब को यहां से भगाने में कामयाब हुए। हालांकि बहुत रक्त रंजित इतिहास 1857 से लेकर 1947 तक भारत का रहा है, लेकिन अपने खून से इस जमीन को सींचते हुए उन लोगों को यहां से भगा दिया जिन्होंने हमारे देश के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तीनों पर प्रेस पर कब्जा कर दिया था। उसके साथ ही 1931 में इसकी जो घटनाक्रम है वो निश्चित तौर पर 1857 से शुरू हुआ, लेकिन 1930 में लाहौर के तट पर जब हमारे प्रथम प्रधानमंत्री ने और उनके साथियों ने ये घोषणा की थी कि हम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, समय चूंकि उन विदेशियों को हम हटाने में 15 अगस्त 1947 को ही कामयाब हो गए थे, इसलिए 26 जनवरी का दिन हमें याद करना था। और संविधान, जिसको अंग्रेज कहते थे कि भारतीय लोग अपना संविधान नहीं बना सकते, उन भारतीय, उन हमारे पूर्वजों ने दुनिया का सबसे बड़ा संविधान बनाया, ये अपने आप में गौरव की बात है। जिस चीज को हम लोग ठान लेते हैं, हमारे लोग ठान लेते हैं, वो अपने उस पक्ष में अपने आप को शीर्ष में पहुंचा देते हैं। और उस बड़े संविधान को, बृहद संविधान को लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को, हालांकि पूर्णतः लागू किया गया, अंशता बन के 26 नवंबर को ही 1949 को ही कंप्लीट हो गया था। समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, इतनी बातें हमारे संविधान की गूढ़ रहस्य है। और समता को, स्वतंत्रता को और बंधुत्व को, ये हमें इन तीनों पक्षों को अपने अंदर हमें समाहित करना होगा, बाकी सारे पक्ष अपने आप में आ जाएंगे। कहीं ना कहीं जो रक्तरंजित इतिहास है और
1492 को हमने बात किया, 1757 को बात किया, अगर ये तीन पक्ष हमारे आत्मा में बसे होते, तीनों बातें हमारी आत्मा में, प्रत्येक भारतीय की आत्मा में बसी होती, तो शायद कोई विदेशी हमारे ऊपर कब्जा न कर पाता। हालांकि स्वतंत्रता के बाद दो मंदिर से लेकर आधुनिक मंदिर तक, घर से लेकर सड़क तक, जमीन से लेकर आसमान तक, गांव से लेकर शहर तक, सब जगह विकास हुआ है और सतत विकास हो रहा है। कभी एक जमाना था जब हम विदेशों पर आश्रित थे, मुझे वो दिन याद आता है जब माननीय लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे और हमारे देश में खाने भर के लिए गेहूं नहीं होता था। उधर हमारे पड़ोसी जी जो हमारा ही अंग है, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से या किसी विदेशी दबाव में हमारे ऊपर आक्रमण करने के लिए आतुर था और दूसरी तरफ हमारे पास खाने के लिए गेहूं नहीं था। हम अमेरिका जैसे देशों पर निर्भर थे कि किसी तरह से वो अनाज दें ताकि हम अपनी विशाल जनसंख्या का पोषण कर सकें। दो जहाज भर के गेहूं मुंबई तट पर पहुंचने वाला था, उधर पाकिस्तान का आक्रमण हो गया और service change one, four, service change in.